अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि साल में दो मरतबा डायरेक्टरेट अपने सीट अनाउंस करती है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, एक एफए और एफएससी के लिए और दूसरा बीएस के लिए होता है। तो फिलहाल एफए और एफएससी के लिए सीट अनाउंस हो गए हैं, जिसमें तकरीबन 48 सीट्स हैं, जिसमें तकरीबन 23 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं और 25 जो है वो गर्ल्स के लिए हैं, जिनमें से टोटल 6 कॉलेजेस हैं और 48 सीटें हैं। पहला कॉलेज जीसी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एडवर्ड कॉलेज पेशावर, और तीसरा कॉलेज जो बॉयज़ के लिए वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और तीन कॉलेज जो है वो फीमेल्स के लिए हैं, LCWV है जो लाहौर में है, उसके अलावा किनियर कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है ये, और इसके अलावा तीसरा गवर्नमेंट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है। ये तीन कॉलेज फीमेल के लिए हैं। अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, जिसमें से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, आप वहां से जाके अपने फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपको 800 रुपये का चालान UBL के किसी भी ब्रांच में आप उसे फिल कर सकते हैं। दूसरा, आपका लोकल बलूचिस्तान का होना चाहिए, ये ज़रूरी है, और उसके अलावा अगर आपका गैप ईयर है तो उसमें से 1% डिडक्शन होगा। अगर आपके 800 मार्क हैं तो 8 नंबर आपके डिडक्ट होंगे। इस तरह से नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है डायरेक्टरेट में अप्लाई करने के लिए या कहीं भी, नंबर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह से अभी एफए के लिए भी 50% आपके एग्रीगेट आपके नंबर हैं, और इसके अलावा 50% आपके टेस्ट रिजल्ट है। जितने आपके नंबर ज़्यादा होंगे उतना ही आपका चांस ज़्यादा है सेलेक्ट होने के। और दूसरी ये है कि इस दफ़ा डायरेक्टरेट ने एक प्रोसीजर चेंज किया है, वो प्रोसीजर ये है कि आपने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद ही फॉर्म सबमिट करेंगे बाकी अपने। जैसा कि आपको अभी शेयर ने बताया डायरेक्टरेट के हवाले से कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जाएं कॉलेजेस में, क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि जब मैट्रिक कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आप वो किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, फिर एडमिशन के बाद वो जाते हैं एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। जस्ट एकेडमी पढ़कर आप किसी मखसूस सब्जेक्ट को पढ़कर आप अपने आप को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जाएं कॉलेजेस में, वहाँ पढ़ें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, और वहाँ बेहतरीन चीज़ एक तो यह है कि आप अपने आप को वहाँ पहचान सकेंगे, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो सारे जो कॉलेजेस हैं वो फ्री हैं।